आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, दांत। आज दांत के बारे में स्टडी करेंगे कि दांत का स्ट्रक्चर क्या होता है, शेप क्या होता है, साइज क्या होता है और इसकी ये किस चीज से मिलकर बनता है। हम लोग ये भी जानते हैं कि इंसान के चेहरे की खूबसूरती में से दांत भी एक खूबसूरत चीज है। अगर इंसान के मुंह के अंदर प्रॉपर तरीके से दांत नहीं जमा हो, अंदर की ओर धंसा हुआ या फिर बाहर की ओर निकला हुआ, तो इंसान की चेहरे की खूबसूरती खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि इंसान का जो टीथ है वो बाहर की ओर निकला हुआ होता है, तो इंसान कुछ इस तरीके से देखता है, ऐसे करके देखता है इंसान। तो इससे जो क्या होता है कि इंसान की चेहरे की खूबसूरती में कमी हो जाती है। अब बात करते हैं दांत की ओरिजिन कहाँ से हुई है। दांत की ओरिजिन एक्टोमेसोडर्मल से हुआ है। एक्टोमेसोडर्मल ये ग्रीक वर्ड है। एक्टोडर्म एक्टोडर्म मीन्स होता है आउटसाइड, डर्मा मीन्स होता है स्किन। दांत के स्टडी को, अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑडोंटोलॉजी बोलते हैं। दांत के स्टडी को क्या बोलते हैं? ऑडोंटोलॉजी बोलते हैं। दांत अटैच किससे होता है? मैक्सिला और मेंडिबल बोन से अटैच होता है। मैक्सिला बोन अपर जाम में प्रेजेंट होता है, मेंडिबल बोन जो होता है वो लोअर जाम में प्रेजेंट होता है। हम लोग WWE देखते हैं, रोमन रेंज क्या करता है, वो सुपर पंच यही लोअर जाम में मारता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैंडिबुलर बोन लोअर जाम में प्रेजेंट है, ये जल्दी टूटता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग बोन है ये। तो क्या करता है, सामने वाले खिलाड़ी को सुपर पंच ही मारता है, बिल्कुल निशाना बनाकर। ना तो नीचे मारता है ना ऊपर मारता है, बिल्कुल सीधा सीधा यहीं पर मारता है। सामने वाला खिलाड़ी जो है मुंह ऐड कर कुछ इस तरीके से गिर जाता है। नीचे पार्ट होते हैं क्राउन, नेक, रूट। यहाँ पर बात कर रहे हैं क्राउन का। क्राउन जो होता है आउटसाइड ऑफ द गम एंड आउटर पार्ट ऑफ द टीथ। क्राउन जो होता है, क्राउन जो है दांत का सबसे ऊपर वाला पार्ट है, जो व्हाइट पार्ट दिख रहा है ना दांत का, ये यही यही इसी को क्राउन बोलते हैं। इट इज कवर्ड विथ इनेमल। ये किससे कवर्ड होता है? व्हाइट पार्ट किससे कवर्ड होता है? इनेमल से कवर्ड होता है। इनेमल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ऑल एनिमल किंगडम। इनेमल जो है सारे एनिमल किंगडम के अंदर प्रेजेंट होता है, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली सबके अंदर। ये इनेमल जो है, इनेमल सबके अंदर प्रेजेंट होता है। इनेमल जो है हार्डेस्ट मटेरियल है। हम लोग देखते हैं गाय भैंस चरती है, शेर जो है शिकार करता है, बड़े बड़े जानवर को खा जाता है, वो हाथी का शिकार करता है, उसका सूंड़ी पकड़ के लपेट देता है पकड़ के, है ना। तो अगर उसका दांत स्ट्रांग नहीं है, इनेमल प्रेजेंट नहीं है, हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट नहीं है, तो कैसे वो इतने बड़े जानवर को, इतना छोटा शेर वो इतने बड़े जानवर को जो मार देता है। हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है तभी मारता है वो। इनेमल इज एक्टोडर्मल। इनेमल क्या है? एक्टोडर्मल है। ये सिक्रेट होता है, एक टाइप के सेल्स से सिक्रेट होता है एक्टोडर्मल, उसको हम बोलते हैं ओडोंटोब्लास्ट सेल्स बोलते हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्ट, इनमें क्राउन पार्ट जो है कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो है 96% होता है। फॉस्फेट ऑफ कैल्शियम जो होता है 3% होता है। फॉस्फेट ऑफ कैल्शियम 3% होता है। एमिलोजेनिन एंड इनेमिलिन प्रोटीन 1% होता है। बाकी का जो दांत का पार्ट है वो रिमेनिंग पार्ट, यानी बाकी का जो दांत का पार्ट है वो किससे बनता है? मेसोडर्म ऑफ एम्ब्रियो से बनता है। किससे बनता है? मेसोडर्म ऑफ एम्ब्रियो से मिलकर बनता है। इस तरीके से क्राउन पार्ट, दांत का पहला पार्ट जो है प्रॉपर तरीके से बनकर तैयार हो जाते हैं इन सारी चीज के परिणाम। उसका दूसरा पार्ट नेक। नेक इनर पार्ट एम्बेडेड इनसाइड द गम। नेक जो होता है गम के अंदर, यानी मसल्स के अंदर जो पार्ट इम्बेडेड है, धंसा हुआ, उसको क्या बोलते हैं? नेक बोलते हैं। रूट क्या होता है? दांत का रूट पार्ट, यानी लास्ट पार्ट जो थर्ड पार्ट है वो क्या है? रूट है। इंसर्टेड इनसाइड द सॉकेट जॉ ऑफ बोन। जो बोन के अंदर, बोन में एक एल्वेलाई, मतलब एल्वेलाई प्रेजेंट होता है, उसके अंदर जो दांत का लास्ट पार्ट है, आखिरी वाला पार्ट, वो जो है इम्बेडेड होता है अपर और लोअर जाके बोन्स में, और उसको क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। अब बात करते हैं डेंटाइन की। डेंटाइन क्या है? डेंटाइन जो है दांत का सबसे मेन पार्ट है। ये एक कैविटी से सराउंडेड होता है, उस कैविटी को क्या बोलते हैं? पल्प कैविटी। इस कैविटी पल्प कैविटी का नाम क्या है? उस कैविटी का नाम है पल्प कैविटी। देखिए डेंटाइन इज द मेन पार्ट ऑफ द टीथ। डेंटाइन क्या है? डेंटाइन जो है दांत का सबसे मेन पार्ट है। इट इज सराउंडेड बाई अ कैविटी कॉल्ड पल्प कैविटी। एक कैविटी से सराउंडेड होता है डेंटाइन, एक कैविटी से सराउंडेड होता है, उसको क्या बोलते हैं? पल्प कैविटी बोलते हैं। एट द बेस ऑफ पल्प कैविटी एन एपर्चर आर प्रेजेंट। पल्प कैविटी के बेस में, पल्प कैविटी के बेस में नीचे वाले पार्ट में क्या होता है? एक अपर्चर प्रेजेंट होता है।
दिस अपर्चर, उसी अपर्चर से क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज एंड नर्व फाइबर इंटर इनसाइड द टीथ अपर्चर कॉल्ड एपिकल फोरामेन। यानी पल्प कैविटी के नीचे जो अपर्चर प्रेजेंट होता है उसी अपर्चर के थ्रू क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज और नर्व फाइबर दांत के अंदर आते हैं। बात करते हैं जैसे डॉक्टर्स क्या करते हैं जब दांत को रिमूव करते हैं एक्सीडेंट के टाइम, जब चोट लगती है तो क्या होता है कि ब्लीडिंग होता है और सेंस भी जाता है ब्रेन को कि मुंह में चोट लगी है। अगर नर्व फाइबर और ब्लड कैपिलरीज नहीं गया है दांत के अंदर तो कैसे जो है ब्रेन को सिग्नल जाता है और कैसे ब्लीडिंग होता है, इसका मतलब कि गया हुआ है। ओडोंटोब्लास्ट सेल्स आर सिक्रेट डेंटाइन सेल्स। ओडोंटोब्लास्ट सेल क्या करते हैं, डेंटाइन सेल को सिक्रेट करने में हेल्प करते हैं। क्या नाम है सेल का, ओडोंटोब्लास्ट सेल।